आसा महला पंजवा हर सेवा मह परम निधान। गुरु साहब जी महाराज की सेवा का फल दसते हैं। हरी अकाल पुरख की सेवा जिहड़ी भगती है इहदे च परम वड्डे खजाने हन सारे गुणा दे। हर सेवा मुख अमृत नाम। महाराज साहब की सेवा यह है मुखो अमृत नाम का जिहड़ा जाप करना है। इहो ही संत की सेवा नाम ती आई है। संत मुरारे वाले कहिंदे हुंदे सी भाई साडी सेवा संतां दी इहो है जिहड़ा महाराज दे नाम दा ध्यौणा है। इसे प्रकार महाराज कहिंदे हरी दी सेवा इहो है जिहड़ा मुख विच हर वक्त अमृत नाम बसना है। हर मेरा साथी संग सखाई। मेरा हरी अकाल पुरख इस लोक दा भी साथी है पर लोक च भी संग हो के सहायता करने वाला है। दुख सुख सिमरी तह मौजूद। ये दुख वेले सिमरीए तां भी उत्थे मौजूद इस्तित प्रगट है ते सुख दी प्राप्ति वास्ते सिमरीए तां भी सख्यात प्रगट है। जम बपरा मूह को कहां डराई। जिहड़ा जम बपरा विचारा ये सानू की डरा सकदा हुण भै नहीं जमदा रहा। रहाओ हर मेरी ओट मैं हर का तां। अकाल पुरख साडी इस लोक च ओट है सानू हरी दा परलोक च भी तां बल है। हर मेरा सखा मन माहे दीवान। अकाल पुरख साडा सखा प्यारा है माता दे गर्भ दा मन विच उसे दा दीवान आसरा है। हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो। साडी हरी दी नाम दी पूंजी सरदा है साडे अंदर है। हरी दे नाम नी असी उत्साह गुरां दे पासों खरीदना कीता भरोसा है। गुरमुख धन खट्टी हर मेरा साहु। गुरमुखां दी संगत करके हरी दा नाम रूपी धन खट्टी दा है। मेरा हरी अकाल पुरखी शाहूकार है। गुर किरपा ते इह मत आवे। सतगुरां दी जदों किरपा होवे तां इह अकल आउंदी है परमेश्वर दी प्राप्ति आली। जन नानक हर कै अंक समावै। सतगुरु जी कहिंदे ने फिर ओ पुरख हरी अकाल पुरख दे अंक स्वरूप च समा जांदा है। आसा महला पंजवा प्रभ होए कृपालता इहो मन लाई। जे वाहिगुरु कृपालू होवे तां इह मन मारा साहब आपदे विच लाउणा करदा है। सतगुर सेव सबै फल पाई। सतगुरां दी जे सेवा करिए ता सारे धर्म अर्थ काम मोख फल पा लीदे हन। मन क्यों बैराग करेगा। ये मेरे मना तू किस प्रकार विराग करेगा। क्यों तू उदरेगा। क्यों तू दिल दे विच अफसोस करेगा कि विछोड़े करके मेरा विराग क्यों छुटेगा। नेत्रां जो जल क्यों प्रवाह होवेगा। सतगुर मेरा पूरा। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह पूर्ण हन सारे थावां व्यापक है। मनसा का दाता सब सुख निधान। जो तेरी मनसा इच्छा है बुद्धि दे अंदर ओ दाता दे देण वाला है अते जो इच्छा सारियां पूरियां करन वाला है। सारियां सुखा दा खजाना है अकाल पुरख। अमृत सर सद ही भरपूरा। श्री अमृतसर साहब विच गुरु रामदास साहब जी सदा लवा दा भरिया होया जिन्हां दा सरोवर है। सतगुरु महाराज साहब हर वक्त व्यापक रूप हन हरिमंदर साहब च निवास करदे है। सतनाम दी जागदी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप हो के इसे प्रकार अमृत दे सरोवर हन। गुरु साहिब जी सदा ब्रह्मानंद करके भरपूर लवाला भरे हुए हन। रहाओ चरण कमल रिद अंतर धारे। सच्चे पातशाह दे चरण जो पूजनीक हन कमलवत प्रकाशमय हन उन्होंने हिरदे अंदर धारिया वसाया है। प्रगटी जोत मिले राम प्यारे। इस प्रकार पहला अंदरों सर संगे जी परतक जोत दे प्रगट होने करके राम प्यारे अद्वैत आनंद स्वरूप दे नाल मिल गए हां। जदों गुरु साहब की कृपा करके जोत बुद्धि दे अंदर जोत ज्ञात प्रगट होई स्वरूप दी सचेत आनंद स्वरूप दी तां राम प्यारे नाल आत्मा परमात्मा एको करै करन रूप मिल गए हां। पांच सखी मिल मंगल गाया। पंजे ज्ञान इंद्रियां रूपी सखियां नूं मिल के नेत्रां नाल दर्शन करदे हैं कन्नां नाल जस सुनदे हैं रसना नाल गुण गाउंदे हैं हत्थों पैरां नाल टहल करदे हैं। इहों पंजे सखियां ज्ञान इंद्रियां नूं मिल करके पंज जो संत हनगे उह हन सखियां उन्हां नूं मिल करके महाराज साहिब दे मंगलाचार नूं गाउणा कीता।
इस प्रकार पांच जिहड़ियां विरतियां प्रमाण परजे निंद्रा स्मृति विकल्प ये भी अगे प्रमाण महाराज के दर्शन ही देखते हाँ अते स्मृति महाराज का सिमरन करते हाँ निंद्रा समाधि रूप नींद लगी रहिंदी है ते इस तरह विकल्प जिहड़ा अगे थोड़ी कमाई करके बहुता सुख भालदे सी हुण महाराज साहब सच्चे पातशाह दे हर वक्त दर्शना दा संकल्प बनिया रहिंदा है अते इस तरह पर जे संसार वालों उल्टी बुद्धि होगी यो पंज सखियां पंज बिरतियां सी जिहड़ियां मन दियां इन्हां ने मिल करके मंगलाचार नूं गाउणा कीता है। अनहद बाणी नाद वजाया हद तो रहत जिहड़ी बाणी है गुरु साहब दी इक रस इहदे नाल नाद शब्द नूं बजाउणा कीता इहो बाजियां नूं बजाउणा कीता आप तो रह जो ब्रह्म अंदर बजाया प्रगट होया है। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय हे भाई सतगुरु नानक साहब जी प्रसन्न हो गए इस प्रकार अकाल पुरख हरि राजे नाल मिल गए हों सुख रहन विहानी सहज सुभा इस प्रकार सुख दे नाल साडी अवस्था बतीत हुंदी है शांति सुभा धारण कीता है हुण सुख प्राप्त हो गया है अविद्या रूपी रात बतीत हो गई है सहज स्वरूप का सो भाव प्रकाश होया है। आसा महला पंजवा कर कृपा हर प्रगटी आया सच्चा पातशाह कृपा दृष्टि करके हरी अंदर ही प्रगट होया इसी कृपालता कीती मिल सतगुर धन पूरा पाया सतगुरां दे नाल मिल करके गुरु रामदास साहब दे नाल नाम रूपी धन नूं पूर्ण नूं जदों प्राप्त कीता ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆ ਐਸਾ ਹਰ ਧਨ ਸਾਂਚੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹੇ ਭਰਾਤਾ ਜਨੋ ਹੇ ਮਹਾਦੇਵ ਆਦਿਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਓ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸਾਂਚੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਏ ਮਾਹੇ ਨਾ ਜਲ ਹੈ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਗ ਛੋੜ ਕਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤ ਡੁੱਬਦਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੀਏ ਹਰ ਵਕਤ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਾ ਡੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਲਨਤਾ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਾੜ ਰੂਪੀ ਜਲ ਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਸੰਗ ਛੋੜ ਕਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹ ਐਸਾ ਨਾਮ ਧਨ ਸਾਧ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਹਰ ਧਨ ਜੀਐ ਰਵ ਰਿਹਾ ਜੀਐ ਸੰਗੇ ਨਾਲੇ ਜਾਏ ਰਹਾਉ ਟੂਟ ਨਾ ਆਵੇ ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹ ਐਸਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਜੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਠੇਕੇ ਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਟੋਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਧਨ ਇਹ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ ਟੋਟ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖੁੱਟ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਕਾਹੀ ਖਾਏ ਖਰਚ ਮਨ ਰਹਿਆ ਅਗਾ ਆਪ ਖਾਨੇ ਖਰਚਦੇ ਆ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਖਾ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਤੇ ਮਨ ਰਿਹਾ ਅਗਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸੱਚ ਸਾਹ ਜਿਸ ਘਰ ਹਰ ਧਨ ਸੰਚਾਣ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਰੂਪੀ ਸੰਚਾਣਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਵਰਸਾਣ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਰੋਸਾਇਆ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਹਰ ਧਨ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰਵ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲਹਿਣਾ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਦਾਤ ਨੂੰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਵਾਰ ਨਾਮ ਗਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਹਿਣਾ ਭੁੱਖਣਾ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਵੈ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ
जिस प्रकार किसान जिमीदार जेड़े है वो खेती दे ताई बोवा बीज दे हन काची पाकी बाद परानी चाहे वो कच्ची चार लैण वड लैण चाहे पक्की तो वडनी है ना इसे प्रकार प्राणी पछानना करो ये प्राणी भी खेतिया की न्याई है जेड़े देहां हन जदो चित करे कच्चिया की न्याई बालकां नूं चाहे मार लवे चाहे पक्के बुढ़िया होए नूं तां ये प्राणियों महाराज साहब जी ने शरीर तो वियोग करना ही है यूं कच्ची पक्की चाहे जवानी विच हरी नहीं ने डडरी पक्की बढ़न हार हरी की न्याई बालक वस्ता की भी परवाह नहीं ते डडरी न्याई जवानी वस्ता की भी परवाह नहीं पक्की तुहानू वढ़न हारी हो ही जाती है इस प्रकार कच्ची पक्की खेती की न्याई हे प्राणी पछानना करो ये सच्चे पातशाह जी ने खेती की न्याई सृष्टि अंत कर ही लेना है बाढ़ी लेनी है धरत खेती जो जन्म है सो जानो जो जन्म धार के आया है सो जानना करो मरिया होया ही अंत नु नाश ही होना है उसने गोविंद भगत आसर है थी जो परमेश्वर की भगती करने वाला है वो अचल होया स्थित होया है वो जमन मन तो रहत होया है जमन मन दोहूं मैं नाही जन पर उपकारी आए रहाओ दिन ते सर पर पौसी रात जिस प्रकार साध संगत जी जो दिन चढ़ता है सर पर जरूर वर जरूर रात पैंदी है इसे प्रकार ये दिन मनुखा जन्म जो देह प्राप्त हुंदी है अंत नूं मौत रूपी रात जरूर ही पैंदी है दिन दी न्याई बालक अवस्था तों जवानी रूपी रात पैनी है जवानी चन्ना हो जाता है कुछ नहीं इस संदेश का वकारा फस जाता है ते दिन ते सर पर ते जवानी जेड़ी है इसे प्रकार रात भी नहीं आई है ते अगे रहन गई फिर हुए प्रभात जो जवानी रूपी रात चली जाती है फिर दिन कण रूप जेड़े चिट्टे केस आ जाते ने मानो दिन चढ़ जाता है पै पाड़ जाती है फिर बिरध अवस्था रूपी सवेर का वेला आ जाता है माया मोह सोए रहे अभागे इस प्रकार अवस्था सारिया दिया गुजर दिया जांदियां रहन पई फिर होए प्रभात जदों बालक अवस्था रूपी रात चली गई फिर बढ़ेपा रूपी रात आके प्राप्ति होनी मौत जा आनी है पै पटनी है माया मोह सोए रहे अभागे जेड़े माया दे मोह च सुते रहे वड़े भागा तो हीने पुरखा ने गुर प्रसाद को विरला जाग गुरां की कृपा करके कोई कोई बिरले गुरमुख जागदे ज्ञान अवस्था च परमेश्वर का सिमरन करते हैं कहो नानक गुण गाई है नी सतगुरु साहब जी कहते नीता परती उस परमेश्वर के भाई गुणा नु गौना करिए मुख उज्जल हो निर्मल की इस प्रकार भाई उज्जल मुख होवेगा ठंडा लोक पर लोक चित भी निर्मल हो जाएगा माया की मैल तो मल मुखे पवन आत्मा की मैल तो रहत हो जाओगे आसा महला पंजवा नौ निध तेरा सगल निधान सतगुरु साहब जी परमेश्वर दे प्यार विच आ करके सच्चे पातशाह वाहिगुरु दे पासों सब खजाने दी प्राप्ति बहुत बचन करदे हन नौ निध तेरा सगल निधान हे परमेश्वर नवे निधियां जिहड़ियां हन असन बसन पूकण कमन दासी चौम गुलाम रसवाहे हंडवाहे जानिए ये नौ निध के नाम या पद महापद मालक जिहड़ियां नौ निधियां संस्कृत दे पुस्तकां लिखियां होईयां ये सारियां नौ निधियां दे तेरे घर च सारे खजाने हन सच्चे पातशाह हे नौ गोलकां दे निधि आधार रूप तेरे ही सारे खजाने अठारह सिद्धियां नौ निधियां रिधियां आदकां दे बख्शे होए आपदे प्यारे भगतां नूं भगती रूप सारे खजाने आपदे पास ही है भगती जिहड़ी सरवण सिमरन कीर्तन पाठ सेवर चान दासा सखवन बंदना सरवण वेदन जाने नवदा भगती है इस प्रकार ने इसे प्रकार दस प्रकार ग्यारह प्रकार की भगती नारद पुराण ग्रंथ विच नारद मुनि पंज रात्र ग्रंथ विच लिखी है ये सारे तेरे घर च मारे नवे निधियां दे सारे ही खजाने हन इच्छा पूर्वक रखा निधान आप महाराज सारिया दी इच्छा पूरियां करन वाले हो निदान अंत दे वेले आप दे प्यारियां दी रख्या करन वाले हो
तू मेरो प्यारू ता कैसी भूखा। जदों सच्चे पातशाह नदान बालक जान के आपदे प्यारियां दी रक्षा करन वाले हो, तू मेरो दे वेले भी आप रक्षा करन वाले हो। तू मेरो प्यारू ता कैसी भूखा। जदों सच्चे पातशाह तुसी साडे प्यारे हो तां सानू केड़ी गल दी भुख रहनी सी, कोई किसे पदार्थ की आशा नहीं आपने रहन दिती, ऐसी बख्शी कीती है। तू मन वसया लगे ना दुखा। जदों सच्चे पातशाह तुसी मन च वस गए हो हुण सानू किसे प्रकार का कोई दुख नहीं लगता है, आदि व्याधि उपाधि आदि तेन ताम नहीं चिंबड़ दे, मन बाणी शरीर करके किसे प्रकार दे बाणी दे चार प्रकार दे दोष फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, निंदा करनी, आपकी उचित करनी, आदिक शरीर करके कुसंगत करनी, औगुण करने, किसे नु कतल करना, किसे नु इशारा करना मारन दा, मन दे दोष आपदे औगुण को के रखने, किसे दा बुरा चित बना, इस प्रकार दे जिहड़े दोष हनगे एक किसे प्रकार दे सच्चे पातशाह आप दी कृपा करके। तू मन वसया लगे ना दुखा। आप मन च वस जाने हो कोई किसे प्रकार दे मन बाणी सील करके कोई दुख नहीं लगदे हन। रहाओ जो तू कर है सोई परवान। अंदर जामी आप जो कुछ कर रहे हो सानू प्रमाण नीक है, असी आपदा सिर देते प्यार दे नाल रिया नू मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं, सफला समझने अपने आप नू जो तू कर रहा है। साचे साहेब तेरा सच फुरमान। सच्चे अकाल पुरख साहेब मालिक माया वृत्ति द्वारा तेरा जेड़ा फरमाना है वो सच्चा है, तेरा हुकुम भला तुद भावे। जा तुद भावे ता हर गुण गा। जे सच्चे पातशाह आप दी भावना साडे हिरदे च होवे ते आप नू असी भा जाइए, चंगे लगे आईए, निष्काम कर्मां दे सहत होइए, ता हरी तेरे गुणा नू गाया जांदा है। तेरे घर सदा सदा है न्याय। आपदे घर दा मारा सदा वास्ते न्याय है, आप न्याय करने वाले हो, जैसा कीचे तैसा पाइए, जिहा जा कोई जीव कर्म करदा है ओहा जा फल भोगदा है। साचे साहिब अलख अभेद। सच्चे पातशाह तेरे घर च सदा वास्ते न्याय है, जिस प्रकार विष्णु भगवान दे अंदर टीचर करने की आदत सी, नारद मुनि ने जो टीचर की बांदर का मूह लाता, उसने सराफ देता कि जा तेरी बांदर आले मूह ही रखा करे। इस सराफ के नाल विष्णु भगवान नू रामचंद्र के रूप में आके सीता गुआच गई, जिमें कल्पिया सी नारद मुनि ओह हालत हुई। यो वड्डियां वड्डियां दे उत्ते भी जिन्हां नू मशकरी करने की आदत उन्हें मशकरी का फल भी दिना है। तेरे घर सदा वास्ते न्याय है, कोई फर्क नहीं है किसी प्रकार का, किसी का लिहाज नहीं करता। तू मन में झूरे रामचंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंत्रे आराध्या तिन प्रभ, हनुमंत्रे आराध्या आया कर संजोग भूला दी तिन प्रभ किए काम, नानक वे प्रवाह सुख के तना मिठी राम। जिहड़ा कर्तव्य किया विष्णु होके मशकरी करन दा ओ भोगना पिया, यो तेरे घर सदा सदा न्याय है, आप किसी का लिहाज नहीं करते। साचे साहेब अलख अभेद। सच्चे साहेब मालक अलख लखन तो रहत है, अभेद अशुद्ध मन करके भेद नहीं तेरा पाया जाता, गुरा तो बिना आप लखे नहीं जाते। नानक लाया लागा से। सच्चे पातशाह आप दे लाए हुए असी आप दी टहल च लगदे भाव भगती करन विच। आसा महला पंजवा निकट जी कै सद ही संगा। हे प्रेमियों परमेश्वर सदा हर साडे हिरदियां दे नाल है ते सदा शरीरां दे अंग संग है। कुदरत वरतै रूप अर रंगा। अंदर सूखम शरीर दे नाल निकट वरती है, प्रकाशता है, सदा इस देह दे नाल भी संगी है, लोक परलोक दुनिया विच भी अते देहां दे अंदर भी सदा नेड़े तो नेड़े है। कुदरत वरतै रूप अर रंगा। ये जेड़े रूप आकार प्रतीत हुंदे है ते रंग प्रतीत हुंदे है ये सब कुदरत माया द्वारा वरत रहे है, ये कुदरती माया द्वारा सारिया रचना उस परमेश्वर रचिया, क्यों कुदरती ओ परमेश्वर सारिया रूपां च सारिया रंगा कौतकां विच आप ही वरत रहा है, शक्ति का मालक। करे ना चुरे ना मन रोवन हारा। ये कर फे मन करे ना चुर बजदा नहीं किसी पदार्थ विच ते ना चुरदा है ना मन रोवन हारा, जो परमेश्वर की शरण च है उन्हू किसी प्रकार के सो करके रोना नहीं पैंदा,
ना किसी पदार्थ की मेर च बजदा है ते ना झोरिया करके झुरदा है पदार्थां दे विछण दे सोक करके। अवनाशी अवगत अगोचर, ओ नाश तो रहत है परमेश्वर, अविगत देह तो रहत है, अवगत प्राप्त रूप है, अवगत ज्ञान स्वरूप है, ओ अगोचर इंद्रिया दे विषय है। सदा सलामत खसम हमारा, ओ सदा सदा सलामत स्थित रहण वाला है, हमारा तमाम दा खसम मालक है साडा। रहाओ तेरे दास रे कहो किस की काम, ये परमेश्वर जो आपदे दास सेवक बने हैं उन्होंने की लोड है, किसी ने आसान बंद नहीं होना पैंदा, किसे दी कनोड़ नहीं सहारनी पैंदी, दासां दे दास जो बने हैं आपदे। जिसकी मीरा रख है आम प्राण, जिसकी मीरा है पातशाह परमेश्वर आप आन करके रखिया करना है, जिन्हों आन शरण विच रखना है, जिदी आन कान आप रखना है। जो लौंडा प्रभ किया आजात, ए हिंदुस्तान दे अंदर पूर्व दे अंदर बच्चे दा नाम अते गोले दा नाम लौंडा कहिंदे हन, जेड़ा बालक प्रभु जी ने जो आपदा सेवक गोला सच्चे पातशाह ने आजात नाम स्वतंत्र कर दिता है, जात पात दे लिहाज तो रहत कर दिता है, ऐसी कृपा की है जिस आपदे दास दे ताई। तिस लौडे कहो किस की तात, उस लौडे गोले दे ताई किदी तात है, किसे दी खाश नहीं, किसे दे पदार्थ नूं वेख के सड़दा नहीं, ना किसे दी ओदे अंदर इच्छा रहिंदी कि मैनूं इह प्राप्त होवे। बेमोह ताजा वे परवाह, ओ तां सतसंग जी वाहिगुरु बेमोहताज है, ओ किसे दा कुशामती नहीं है, ते ओदे सेवक बन के गुरमुख से जेड़े सेवक हैं गोले, राखो राखण हार दियाला नानक करके गोले, वह भी बेपरवाह हो गए है, वह बेमताज है, किसी की मुशंदगी नहीं करते, तो वह बेपरवाह वाहिगुरू बेपरवाह की शरण पै के सारे की कुशामता तो रहत हो गए। नानक दास कहो गुरवाह, सतगुरु साहब जी कहिंदे ने गुरु साहब के उपदेश नूं कमा के, हे दास सेवक कहो गुरवाह, वाहिगुरु कहो उसके ताई, वाह आश्चर्य रूप है, गुरु चेतन स्वरूप है, वाह उस कहिंदे हन जो सतसंग जी आप निराधार है ते सारिया का आधार रूप है, उसका नाम वाह आश्चर्य है, सारिया का आधार है, आप किसी के आसरे नहीं रहा, वो ऐसा वाह है, अते आप सारिया का प्रकाशक है, ते चंद सूर्य बिजली अग्नि आदि सारिया प्रकाश देने वाला है, आप किसी के प्रकाश का मथाज नहीं, अपने आप तो प्रकाशवान है, ऐसे स्वरूप का नाम वाह है, उस वाह आश्चर्य स्वरूप के ताई गुरु चेतन स्वरूप गो ज्ञान का नेरा नाश करके ज्ञान का प्रकाश वाला कहो कि वाहिगुरु है। आसा महला पंजवा, हर रस छोड़ होछे रस माता, जिसका मन भाई हरी दे नाम रस नू छड़ के होछे तुश रस ने जेड़े विषयां दे इन्हां सब स्पर्श रूप रसगंध दे रसां विच मस्त होया होया है। घर में वस्त बाहर उठ जाता, देखो साध संगत रूपी घर च वस्तु है नाम दी, ये बार बाजमुख हो करके होरना लोकां दे पास उठ के जांदा है संगत नू छड़ के, कार्य के अंतकरण च वस्तु है आत्मानंद रूपी, ये बाजमुख होके पदार्थों के प्रण होके उठ के तुरिया फिरदा है, इस प्रकार उजड़िया फिरदा है। सुनी ना जाई सच अमृत कथा, सच्ची अमृत की कथा जेड़ी है सत्संगत नाल मिल के इसके पास सुनी नहीं जाती है। रार करत झूठी लग गाथा, जे कितने संगत आ भी जावे रार झगड़े करता रहा झूठियां गाथा माया दे विच लग करके, गाथा ना माया दा माया दे पदार्थां च लग करके एवें लड़ाई करता रहा झगड़े पाउंदा रहा, गाथा ना कथा दा भी है, झूठियां कहानियां कथा विच लग लग के माया की कहानियां विच लग लग के एवें झगड़े पाई रखदा लड़ाई पाई रखदा है। रहाओ वजह साहिब का सेव बिरानी, देखो वजह रजीना ता साहब दा खांदा दिता है, दरमाहा तरमाहा जिवें हुंदा है, दो महीने मगरों सिपाही दी नौकरी, तीन महीने मगरों जिवें हुंदा है, इसे प्रकार दुमाहे दी नहीं आई बालक अवस्था ते जवानी अवस्था च
तरमाही भी नहीं आई बुढ़ेपे विच भी। इं वाहेगुरु का परालवधन साथ दिता है और जीना भोगदा है। पहलों दे तां रिजक सुभाहा पिछों दे तां जंत उपाहा। इस प्रकार वजो उसके वालों सब खुराक इन मिलती है, सारी पालना होंगी है, स्वास उसने दिते हुए है, जिंदगी उसने दिती है, इंद्रे उसने दिते है, मन बुद्ध उसने दिते है, सारी पछाण वास्ते। उसका रजीना दिता हुआ खांदा साहब सेव बिरानी सेवा देवी देवत्या की कोहने की को बन्ने की होर की पूजा करता फिरता रहा। कदे सिर सिव करते जो नावे बंद चढ़े डोरू टमकावे महामारी की पूजा करे नरस नार होया करे। इस प्रकार बरानी बगानी सेवा करता फिरदा वाहिगुरु नूं छड़ के। ऐसे गुण है अशाद्यो प्राणी इस प्रकार गुनाहां दे करके अशाद्यो भरिया होया टकिया पिया प्राणी जिहड़ा है। इस सिउ लूक जो सद ही संगी देखो जिहड़ा परमेश्वर सदा संगी है वह तो लुक लुक के आपदे जाने कर्म करता है। जिवें जिस हाकम ने डंड देना होवे वह कोले खड़ा होवे ते कहे मैं लुक के कीता है। इसे प्रकार परमेश्वर जिहड़ा सदा संगी है वह तो लुका के रखदा अपने औगुणा नूं। कामना आवे सो फिर मंगी जिहड़े इहदे परलोक च कम नहीं आउणे इस लोक च सुखदायक नहीं होने उन्हां पदार्थां नूं कामना वाले नूं मुड़ मुड़ के मंगदा है। ऐसा बिगड़िया होया है। कहो नानक प्रभु दीन दयाला सतगुरु साहब जी कहिंदे ने हे मेरे वाहिगुरु गरीबां ते आप दयालता करन वाले हो। ज्यो भावै त्यो कर प्रतपाला जिवें आप नूं पाउंदा सच्चे पातशाह आप दे जान के प्रतपाला करो साडी असीं आप दे हां कृपा दृष्टि करो साडे ते। कहो नानक प्रभु दीन दयाला ज्यों पावै त्यों कर प्रतपाला। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। हे गोबिंद आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु की फतेह। सतगुरु जी साजी नवाजी गुरु खालसा साहिब संगत जी सतगुरु अर्जुन देव महाराज साहब जी परम पवित्र अमृत रूप बाणी जिया की कल्याण वास्ते तुरकी बाणी उचारण कर रहे हैं। सच्चे पातशाह परमेश्वर के नाम की महत्ता साडे हिरदिया विच मिन हर नाम और सब थोड़ा दसदे हैं। सो परमेश्वर का ऐसा अमृत नाम है जी प्राण धन हर को नाम। सारिया दे ताई परमेश्वर का नाम ही धन है अते साडे जी हिरदे दे अंदर प्राणा दी नेतना प्यारा है अते हरी का नाम ही सानू धन है। धन दे थां भी प्राणा दे थां भी जिंदगी दे थां भी परमेश्वर का नाम ही है। ये जिया दे ताई प्राणा दे अंदर आसरा रूप भी परमेश्वर का नाम है। धन दौलत रूप भी परमेश्वर का नाम है। धनो पुरखा ने जिन्हां ने अपने हिरदे के प्राण समझे है परमेश्वर के नाम के ताई जिन्हां परमेश्वर के नाम नूं धन रूप करके प्राण पछानना किया है जिन्हां ने अपना जीवन रूप करके परमेश्वर के नाम नूं समझिया है। इहां इस लोक च भी उस परमेश्वर के नाम नाल ही कम है अते परलोक च भी उस परमेश्वर के नाम नी संगी हो के जीव दे बंधना तो छुटकाउण दा कम करना है। बिन हर नाम अवर सब थूरा बिना परमेश्वर के नाम तो चाहे जिन्ने पदार्थ ने राज आदक रिधियां सिद्धियां हैं दुनिया के सुख ने वो सारे थोड़े ही हैं ते अवर्ण रूप हैं गे अज्ञान का पर्दा पाउण वाले हैं होर सब कुछ थोड़ा ही है। परमेश्वर के नाम तो बिना पूर्ण नहीं हुंदा बड़े कर कर था के बड़े बडेरे किन्नी न किए काज माया पूरे। तृप्त अघावे हर दर्शन मन मूरा साडा मन तो पाई इस लोक दे पदार्थां वल्लों भी हरि दे दर्शना करके तृप्त हुंदा है अते स्वर्ग लोक ते ब्रह्म लोक आदिकां दे पदार्थां वल्लों भी साडा चित रजदा है हरि दे दर्शन करके साडा मन होर किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रखता आत्म तृप्ति करके
हरि दे दर्शना करके आत्म तृप्ति प्राप्त होंगी है। इस करके साडा मन हरि दे दर्शना करके आत्म तृप्ति करके तृप्त होंदा रहिंदा है। भगत भंडार गुरबाणी ला, ये जो सतगुरु नानक देव की तुरकी बाणी है, एक ऐसी है भगती का भंडारा है। जिन्नी सतगुरु सिमरन कीर्तन पाद सेवर ज्ञान आदि भगती है, 11 प्रकार की भगती नारद ने पंचरात्र ग्रंथ विच लिखी है, उस भगती का भंडारा है गुरबाणी। अते लाल प्रेम पैदा करने वाली है, ये जेड़ा प्रेम है लाल प्रेम महाराज साहब दे लाल हनगे बाणी विच, अते जो भगती दे बचन ने भगती का भंडारा भरिया होया है गुरबाणी। गावत सुनत कमावत निहार, जो पुरख राग विच पा के गाउंदे है गुरबाणी नू, जो प्रेमी श्रद्धा ते विश्वास रूपी कन्ना नाल सुनदे है, जो पुरख चित दी लिव ला के कमाई करदे है, ओ निहाल दुखों तो रहत हो जाते हैं। चरण कमल सिर लागू मानू, साडा तो मन भाई महाराज के चरणा कमलों के नाल लगा हुआ है। जिन्हों का मन चरणा कमलों में लगा है, चरण जो पूजनीक है कमल वद प्रकाशमय है, उन्हों का स्यो साथ मान मन रूप ज्ञान उन्होंने प्राप्त होंदा है। सतगुरु तूठा कीनो दान, ये सतगुरु साहब जी प्रसन्न हो के चरणा कमलों नाल जेड़ा मन दा लगना है दान बख्शना कीता है। नानक कहो गुरु दीख्या दी, श्री गुरु अर्जन देव साहब जी कहंदे सानू सतगुरु नानक गुरु रामदास साहब ने ये दीख्या दीक्षित मंत्र सिख्या दिती है। प्रभ अविनाशी घट घट जी, जो वाहिगुरु नाश तो रहत है, वो सारे चार खानिया के घटा घटा विच है, उसने जानना करो। आसा महला पांजवा, आनंद विनोद भरे पुर धारिया, पूर समग्री पूरे ठाकुर की, आनंद विनोद भरे पुर धारिया। जिस वाहिगुरु के आनंद दायक कौतक हैं, जिसने सारे संसार नू आपदे आसरे धारण किया है, वो भरे पुर लवा लव सारे पूर्ण है, लवा लव भरिया होया है। अपना कार्य आप सवारिया, अपनी प्राप्ति का जेड़ा कार्य सी जिज्ञासु नू आपदे स्वरूप विच मिलाउणा गुरां द्वारा नाम दे उपदेश करके, इस कार्य नू भी आपदी प्राप्ति जिनू आप ही मारन गुरु स्वरूप होके सवारना कीता है। पूर समग्री पूरे ठाकुर की, इस प्रकार पूरी ज्ञान की समग्री जो है अपने गुणा की सलांघा तो रहत होना, मुक्ति नू सारिया नालों वड्डी मनना, केवल मोख दे ताई ज्यों जन्मे जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना, ये भी गुण दसे है कृष्ण जी ने गीता च। ये ज्ञान की समग्री जेड़ी पूरी है, वो पूर्ण ठाकुर की प्राप्ति की पूर्ण है गुरसिखा के हिरदिया विच। भरपुर धार रही सोभ जाकी, अते भरपुर धार रही जो परमेश्वर सारिया के ताई धारण कर रही है, जिस परमेश्वर की जोत ओरी शोभा भी भरपूर हो रही है सारिया विच, लवा लव भरी हुई है। यो ज्ञान की समग्री होर गुणा की समग्री पूर्ण ठाकुर की सारिया थान पूर्ण है, जिसकी शोभा परमेश्वर की सारिया थान लवाला भर रही है। रहाओ नाम निदान जाकी निर्मल सोए, जिस वाहिगुरु का नाम खजाना है, सारिया खजानिया दे देनवारी दियां दे सिद्धियां दे नौनिधियां दे मुक्तियां दे चार पदार्थां दे देन वाला नाम का खजाना है। जिस वाहिगुरु की निर्मल उज्जल शोभा हो रही है, कोई वोटां पा के शोभा जिहड़ी हुंदी है, जिहड़ियां घट जान ओह दी घट जांदी है, जिहड़ियां वध जान ओह दी वध जांदी, इही जी शोभा नहीं। ये तां भई मैल वाली शोभा है दुनिया की, शलन छिदनम कोट बिगनम अपराधम किल विखमलम, ਉਹ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਸੋਭਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਵਰ ਅਸਥਾਨ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤਾਕੈ ਹਾਥ, ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੈਸਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੂਰੀ
संतां दे ताई अमृत नाम दा जपना पाना मनना होमै दा त्याग करना ये पूरी आपकी प्राप्त जीवन मुक्ति दी जिवें तत् ज्ञान जीवन मुक्ति दा साधन है अते मनोनाश वाशना खै ये जीवन मुक्ति दा तिन अभ्यास करने पैंदे है इधर पाना मनना होमै छड़नी नाम जिले बुलाउणी ये पूर्ण बंत आपकी प्राप्ति की साधना की मारन बनाना कीती है। नानक भगत मिली वडियाई। इस प्रकार गुरु साहब जी कहते भगतां नूं वाहिगुरु जी वल्लों वडियाई प्राप्त होई जिन जाता सो तुसी ही जिहा। आसा महला पंजवा गुर कै शब्द नाग इहु मन। सतगुरु साहब के शब्द की कमाई करके इस मन नूं भाई बनाओ सुंदर बनाउणा करो ये मन दियां जिहड़ियां मैलां नूं गवा के उज्जल बनाउणा करो अते बनावो ना बनना करो इस मन दे ताई जिहड़ा चंचल बांदर दी नीयां भटकदा फिरदा है इस मन नूं इस प्रकार समदव साधना करके गुरां दे शब्द द्वारा ये मन नूं इष्ट करो बनाउणा करो। गुर का दर्शन सांचो हो हर धन। श्री गुरु साहब का जिहड़ा दर्शन करना है ये एकत्र करो हरी दा नाम धन गुरु साहब दे दर्शना करके उत्तम मत मेरा हृदय तू आ अपनी बुद्ध नूं सिख्या देईए हे उत्तम मती आत्म विशेणी बुद्ध मेरे हृदय च तू आके प्राप्त हो हे कुमती तू नास हो जाओ गाओ गुण गोविंद असी ध्याना करिए त्याकार वृत्ति करके त्याका ध्यान ते प्रकृति छड के अते गावो कीर्तन रसना दे नाल प्रीत रूपी रसना नाल गाउणा करिए गोविंद दे गुणा नूं ताई अत्यंत ही परम प्रेम दा सबद प्यारा लगे नाम सच्चे पातशाह दा उस लोक दे पदार्थां वलों भी तृप्ति आ जांदी है स्वर्ग ते ब्रह्म लोक दे पदार्थां वलों भी तृप्त हो जाईदा सच्चे नाम करके अठ सठ मज्जन संत तूरा जिन्हां दा चित लोक परलोक दे पदार्थां वलों रज्जिया आत्म तृप्ति करके रज्जे है सच्चे नाम करके उन्हां संतां दी धूड़ विच अठाठ तीर्थां दे पुरबां दे इशनान दा फल है सब मैं जानू करता एक सारिआं विच अकाल पुरख करता वाहिगुरु नूं इक्के नूं जानना करो साध संगत मिल बुद्ध विवेक साध जिन्हां नूं मन नूं साधिया है उन्हां प्यारिआं दी संगत च मिल करके विवेक वाली जीव इस दी एकता करन वाली बुद्धि प्राप्त हुंदी है दास सगल का छोड़ अभिमान दिल का हंकार छड के गुणा का मान छड के विद्या का मान छड के धन का मान छड के वडियाई का मान छड के कीर्ति का मान छड के सारिआं दे चरणां दास सारिआं दा बन जा हंकार छड के अब हिरदे जो कुछ अपने आप नूं मन्ने दा त्याग कर नानक कहो गुरु दीनो दान सतगुरु जी ने इन्नी गरीबी धारन दा सानू दान देना कीता गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह ये जाच दस रहे हन आसा महला पंजवा बुद्ध प्रगास भई मत पूरी जदों आत्म विशेणी बुद्धि प्रगास होई प्रगट होई बोध वाली बुद्धि अंदर प्रकाश हुई ता मत सिख्या पूर्ण आ गई पहला अधूरी सिख्या सी धारण तो रहत सी सो हुण आत्म विशेणी जदों बुद्ध गुरु साहब की कृपा करके प्रकाश आई प्रगट होया आई ता ये सिख्या पूर्ण प्राप्त होई जो सदा नारायण वाली है लोक परलोक च या वेद शास्त्रां दी अते जिहड़ी मत सी उन्हां सारियां मतां विचों आत्म विशेणी बुद्ध जो ब्रह्म दे बोध वाली प्रकाश भी पूर्ण मत है सिख्या है ताते बिनसी दुरमत दूरी इस गुरु साहिब दी मत सिख्या करके जिहड़ी खोटी मत सी प्राय घर नूं तकना निंदिया करनी शराबां पीणियां मंद कर्म करने ये खोटी मत सी ये दूर करन वाली सी परमेश्वर को बेवह करन वाली सी ये दूर ही नाश होगी गुरमत दे धारने करके ऐसी गुरमत पाई अले अही गुरु साहब दी मत हे पाई प्राप्त कीती है उड़त घोर अंध कूप में अगे डुब रहे सी घोर भयानक अंध खूब संसार दे विच मेरे भरावा मुक्त रूपी किनारे ते निकलिया ऐसी कृपा कीती सच्चे पातशाह जी ने रहाओ
महाआगाह अगन का सागर। ये महाआगाह डूंगा है, ये कृष्णा रूपी अग का, काल रूपी अग का, विषय रूपी अग का, क्रोध रूपी अग का, ईर्ष्या रूपी अग का, ये संसार समुद्र है। विषय रूपी सहज गल तारे जैर दे, सतगुरु मोहित होंगे जो रतना की खानी है सच्चे पातशाह। जिम्मे समुद्र च रतन होंगे है, ऐस गुर साहब रतनी भरपूर है। गुरु साहब सारिया रतना वराग आदि रतना करके लवा लव भरे हुए हैं। वो रतना की खानी जो सतगुरु है, वो गुरु साहब जहाज की न्याई हो के संसार समुद्र अग दे समुद्र तो तारता ऐसी कृपा दृष्टि की। उन्होंने वाते जहाज न बनाते माया, दुत्र बड़ी कठनी कठिन करनी जी माया है। अंध अंधेरा जिमें अंध सागर होंगे, अंध सागर जिथे जमया हुआ अंधेरा ही नेरा चार सवेरे प्रतीत होंगे है, ऐसा अग्ञान का नेरा है। देखो बड़ा कठिन है इस माया का तरना, प्रगट मार्ग दिखाया। जिधर कठिन है तरना काम क्रोध आदका दिन लहरां चो अंध अंधेरा है अग्ञान का। देखो कठिन है पहाड़िया दिया ही पंज कोस, ऐसी ये माया है। गुरपुर प्रगट मार्ग दिखाया, सतगुरु ने प्रगट करके इस प्रकार का मार्ग दिहंगो मार्ग जो पंछी उड के फल को ले जा रहे हैं बिरछे च, ऐं साध संगत जी ये संसार रूपी बिरछ है। पूरियां गुरां ने वराग के विवेक रूपी परोख अपरोख ज्ञान रूपी दो खंभ दे के प्रगट मुक्त का मार्ग मुक्त रूपी फल लैण दा दिखाता। उन्होंने वास्ते कठिन संसार माया का मोह नहीं चिंबड़ना है। जाप ताप कश उकत ना मोरी, ये अंतर्यामी असी बाणी करके किसी देवते का जाप नहीं सी कीता। कोई तपस्या धूनिया टाणिया जल धारा करनी भुखे रह के वर्त रखना, यह तम नहीं सी साडा। उगत कथन की चिताई भी कोई शास्त्र सिमृति भी साड़ी नहीं सी। गुरु नानक शरणागत तू, फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह आपकी शरण प्राप्त हुए हैं, आपकी ओट है। आसा महला पांचवा, तिप दे दो हर रस पीवत सद ही राता। हजूर फरमाउंदे हैं त्यों त्यों पौड़ियों वाले दो शब्द आउणगे, कहिंदे हैं हर रस पीवत सद ही माता। जो हरी दे रस प्रेम रस नूं नाम रस नूं पींदे है, उन्हां दा मन सदा ही महाराज रंगिया रहिंदा है। दुनिया दे अमलियां दा चार पैर बाद अमल लै जांदा है, अते सदा मस्ती परमेश्वर दे नाम रंग च रता रहिंदा है मन नाम रस पीण वाले दा। आन रसा खिन मह लै जाता, जिहड़े होर रस तसां ने ਉਹ ਛਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਸ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਨ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਰਸਾ ਮਹਿ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਦਾ ਸਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਧੂਰਾ ਖਾ ਲੇ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਈ ਬੋਤਲ ਪੂਰੀ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਚ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚੁਪਾਲੇ ਆਇਆ ਸੰਖੀਆ ਖਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਦੀਦਾ ਸੰਖੀਆ ਉਹ ਚੱਬਿਆ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੰਖੀਆ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੰਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਚ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਲ ਮਸਤ ਮਤਵਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਅਲ ਮਸਤ ਪੂਰਨ ਮਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤ ਵਾਲਾ ਆਕਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਮਤਵਾਲੇ ਪਾਗਲ ਹਨਗੇ, ਕਮਲੇ ਹਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਲ ਰਸ ਪੂਰਨ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ, ਅਲ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰਸੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऐसा अकल वाला आत्म विषय भी बुद्ध वाला हो जाता है। अल मस्त अल भवे भी नहीं सार विराही मस्ती वाला हो जाता है। अते मतवाला मस्त मन रहा विषया दे वलों मन उपराम करके महाराज के नाम रस में मस्त रहा, पूर्ण मस्त है। आन रसा सब होछे, जेड़े होर रस कस है ये सारे होछे कुछ रहे भाई।
हर रस की कीमत कही ना जा। जिन्हां नूं हरी दा प्रेम रस प्राप्त होया है इहदी कीमत मुल नहीं कहा जाता, कसम नहीं किया जाता। हर रस साधु हाट समाज, यह हरी दा रस साधुआं दी हट कौन है, संगत च संगत दे विचों इस मन मिलिया मिलता है, प्राप्त हुंदा है, फिर समाज मस्ती चढ़ती है संगत मिलके। लाख करोड़ी मिले ना के, जे किसी को लखा रुपया हो रहे ते नाम भाले नहीं मिल सकता, जे करोड़ रुपया खर्चे तां नहीं मिल सकता है। लखां फौजां दा मालक होवे, करोड़ां पति होवे, फिर भी किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता। लखां जजीरां दा मालक होवे अते करोड़पति होवे, फिर भी किसी प्रकार नहीं मिल सकता है। लखां जतन करे अते करोड़ां माया खर्चे, फिर भी किसी प्रकार मिल नहीं सकता। जिसनू साध संगत प्राप्त हुंदी है, साध संगत द्वारा गुरु साहब जी प्राप्त हुंदे है, उसनू गुरु महाराज साहब बख्शदे है, एवं नहीं किसी ने प्राप्त हो सकता। नानक चाख से उपाया नहीं तोल, नानक चाख भय विस्माद। ये श्री गुरु नानक देव महाराज साहब जी फरमाते हैं, नानक चाख भय नानक ना नानक बिकते जस मन सा नानक। अकाल पुरख का वाचक है, अकाल पुरख जो वाहिगुरु है, जिदे च अनेकता ही नहीं है, जो ना अन अक नहीं है, अन अक नाउ दुखदा है, अन नाउ रहदा है, नाउ नाउ पुरखदा है। जिस पूर्ण पुरख विच दुख नहीं है, जमन मन तो रहत है, वो अनक रहत परमात्मा जो अनक नाम है ढोलदा, ढोल दमूह है, दमूही दुनिया तो जरा रहत है। नानक नाम कहावे सोई, या नानक नाव नंद लाल जी ने कहा, नाव नाव है नेकी दा, जो नेकी दे देन वाला है, ते नाम है निहाल दा, जेड़ा निहाल करन वाला है, ते काल नाम कनायत दा, जेड़ा संतोख देन वाला है, नेकी देन वाला है, ते निहाल करन वाला है, वो नानक है। ऐसा जेड़ा परमेश्वर है, ओदे आनंद नूं चख के असीं तां बसनाक हो गए, मस्त हो गए हां, अस्यादि रूप हो गए हां। नानक गुरु ते आया साहब, नानक गुरु गुरु नानक साहब जी का नाम है, श्री गुरु रामदास साहब का नाम है, सतगुरु नानक देव, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास साहब, साडे सतगुरु रामदास साहब गुरां तो सानू ये रस प्राप्त होया है। गीत ऊत कत छोड़ ना जा, गीत इस लोक च भी महाराज का नाम, ऊत परलोक विच भी, ईत चतरां विच, ईत चतरां विच भी, ऊत मूर्खां विच भी, जिहदे हिरदे च वस गया है कदे छड के नहीं जांदा, लोक परलोक दे विच रहिंदा है। नानक गीता हर रस मार, ये श्री गुरु अर्जन साहब दा नाम है नानक। श्री गुरु अर्जन देव साहब जी कहिंदे ने, असीं हरी दे रस विच गिज्जे होए हां, साडा मन मस्त होया होया है। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे। भाई यही जी खेल खेलनी चाहिदी है, काम दा जिहड़ा फुरना है, सुन सुंदर साधु बचने उधारी, सिक्ख्या दिंदे हन जिवें लड़कियां नूं मावां सिक्ख्या दिंदियां हन, ऐं जिज्ञासुआं नूं गुरु साहिब जी सिक्ख्या दिंदे हन। काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, भाई काम दा फुरना जिहड़ा है, वस्तु विचार करके दिष्टा असरक्त प्रेते चाम, की इहदे च चिंबड़िया होया है, इहो वस्तु दी जिहड़ी विचार करनी है, काम दे फुरने नूं मिटे। और जिहड़ा है प्यारी चीज छेड़ने करके तीखण चिंदी जिहड़ी दित्ती है, सीख दे मचण दी न्याई, पहला हरा रंग निकलदा है, फिर पीला, फिर लाल होके भांबड़ मच पैंदा है, इसे प्रकार पहला हरे रंग दी न्याई, जदों क्रोध आउंदा है बुल फड़कण लग जांदे है, अखां लाल हो जांदी है, फिर पिलकन छा जाती है, फिर क्रोध के नाल मूह गाला कढ़न लग जांदा है, डांग सोटा मार लग जांदा है, अग मच पैंदी है। ऐसा क्रोध का अग वर्गा जिहड़ा सुभाव है, इहनू शांति रूप जल पा करके, लोभ जिहड़ा है तृप्ति नहीं कदे आउंदी, गुरु दीआं गोलकां भी खा जांदे है चुरा के, इस लोभ नूं संतोख करके, मोह जिहड़ा है विचार करके, इहनां नूं मिटना करे। छुटकै दुरमत अपनी धारी, जिहड़ी खोटी मत है, शराब पीनी, चोरी जारी करनी, ये दुरमत जी भी छुट जाती है, ते अपनी अपना तो जिहड़ी धारी होई है, जीआं ने
ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵਕ ਮਾਵਨ, ਫਿਰ ਸਖੀ ਜੇ ਮਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ ਮਨ ਪਿਆਰੀ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾਸ ਪਦਪਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਭਗਤ ਸੁਣ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ, ਹੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸਖੀਏ, ਵਿਰਾਗ ਵੇਖਣ ਸਭ ਦੀ ਮੋਖ ਇੱਛਾ ਰੂਪੀ, ਸੋਹਣੇ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੀਏ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ, ਸਾਧੂ ਜੋ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮਾਣ ਚ ਨਾ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਆਸਾ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਮੇਵ ਪਰਦੇ ਆਦਿਕ ਤਾਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ, ਫੇਰ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੋ ਕੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਖੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਂਗੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਵੇਂਗੀ। ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ, ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਸੁਖਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਜਗਿਆਸ ਰੂਪ ਨਾਰੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗੀ। ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਹੇ ਮਹਾਰਾ, ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਰ ਵੇਖਣਾ ਕਰਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਮਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਬਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਲਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਸ਼ਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰਵਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਸੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਕ ਬਣਨਾ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਆਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਬਿਖ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰੀ, ਇਹ ਸਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਓ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੇਹ ਨੂੰ ਵੇਤਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਕਰਕੇ, ਵੇਖਣੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਮੰਨਣਾ ਕਰ ਹੈ ਸਖੀ। ਤਾਂ ਪਾਵੇ ਸੋਭਾ ਹਰ ਦੁਆਰੀ, ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇਗੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਆਚਾਰ ਇਹੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਕਮਾਈ ਹੈ।
एहो बिहार व्यापार कर तन मन धन दे अनुरूप आज्ञा मान भगत हुए तुम्हारे। ये महाराज जी आज्ञा मनेगी हे सिखे फिर तेरी भगती पूरी होगी। जे महाराज कहे प्रभ अवर अवर किश्ती जय सब फोकट चार सिंगारे मारा होर कहिंदे आ ते करना कुछ होर उन्हां दे चारे जिहड़े बराग ने खड़संगत मोह इच्छा रूपी शिंगार है सब फोके पै जांदे है आत्मा की प्राप्ति नहीं उन्हां नूं हो सकदी। इस करके महाराज की आज्ञा मन नाम नाम नूं जप भाणे नूं मन अते होमे दा त्याग कर इउं तेरी भगती पूर्ण हो जाएगी। जो इहो मंत्र कमावे नानक ये जिहड़ा मंत्र मूल मंत्र दस्या है वाहिगुरु मंत्र दस्या है ये जिहड़ियां इहदे विच वचन दस्से है बाणी च इन्हां नूं इस मंत्र नूं उपदेश नूं जो कमावेगा महाराज साहब कहिंदे हन संसार समुद्र तो पार उतारिया जाएगा वह मुक्त हो जाएगा पुरख आप भी संसार समुद्र कर जाएगा होरना भी पार उतारन वाला हो जाएगा जीवन।